Assalamualaikum students of class 6. Now open your SST book. As you know, we are doing chapter number 2, globe, map and uses. Today we will start from page 14. We were discussing the components of the map. Today we will discuss map scale. As you know, जैसे earth पे हम लोग actual distance show नहीं कर सकते. जितनी भी land features हैं, उनके हम लोग एक्चुअल साइजेस या एक्चुअल डिस्टेंस शो करना मैप पे पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैप इज़ जस्ट अ स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी, एक छोटी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. उस पर आप पूरे पूरे साइजेस, पूरे पूरे डिस्टेंस शो करना पॉसिबल नहीं है. सो फॉर दिस वी यूज़ द मैप स्केल. मैप स्केल एस्टैब्लिश अ रेशियो बिटवीन एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ऑन अ मैप. मैप स्केल जो आपको एक रेशियो शो कर देता है, जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है और जो मैप में डिस्टेंस है. It shows the comparison between these two. There are three types of map scales. Number one, statement of scale. This scale uses word to describe the ratio of actual distance to the map distance. ये जो scale है ये word show करता है distance को show करने के लिए. Like 1 inch is equal to 4 miles. It tells about the distance in the world. For example, the following map shows the scale 1 inch is equal to 4 mile. अब ये मैप जो है बता रहा है स्केल क्या है, 1 inch पे 4 miles होगा. If the distance between two places on the map is 2.5 inches, अब मैप पे जो two places है उनके दरम्यान में जो डिस्टेंस है ये देखें 2.5, then the actual distance जो एक्चुअल में ग्राउंड डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, we will multiply the 2.5 into 4 is equal to 10 miles. क्योंकि उसने जो स्केल दिया था 1 inch 4 miles का दिया था, तो हम 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल डिस्टेंस आ जाएगा. ये जो था ये मैप का डिस्टेंस है 2.5, और हमने एक्चुअल जो डिस्टेंस फाइंड करना है उस प्लेस का, तो हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 10 miles. दिस इज स्टेटमेंट ऑफ स्केल. सेकेंड टाइप इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. इसमें हम लोग जो हैं, इसमें हम लोग वर्ड्स में शो कर रहे थे, इसमें हम लोग डिस्टेंस को फ्रैक्शंस में शो करते हैं. फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग मैप शोज द स्केल 1 by 253,440 or 1 ratio 253,440. इट्स मीन 1 unit ऑफ डिस्टेंस ऑन अ मैप रिप्रेजेंट 253,440 units ऑफ डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. इसका क्या मतलब है कि एक जो यूनिट होगा मैप में वो इस डिस्टेंस के बराबर होगा एक्चुअल में. इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ऑन द मैप इज 2.5 inches, अब दो टाउन्स के दरमियान में जो इन डिस्टेंस है एक्चुअल में अगर हम देखें 2.5 है, तो वी विल मल्टीप्लाई 2.5 विद दिस डिस्टेंस. क्योंकि ये मैप का डिस्टेंस था, ये एक्चुअल है, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा प्रॉपर, एक एक्चुअल डिस्टेंस आ जाएगा कितना ग्राउंड डिस्टेंस आ रहा है इनका. लीनियर स्केल और बार स्केल. दिस स्केल यूजेज अ हॉरिजॉन्टल लाइन विद बार्स टू रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस टू द मैप डिस्टेंस. अब इसमें इस तरह हॉरिजॉन्टली बार की फॉर्म में स्केल शो किया जाता है. द लीनियर स्केल ऑन दिस मैप इज शोइंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 mile बिटवीन टू टाउन. अब इसमें 10 miles शो कर रहा है वो दो टाउन्स के दरमियान डिस्टेंस. नाउ ग्रिड रेफरेंस. वॉट इज ग्रिड रेफरेंस? एज यू नो देयर आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑन द मैप और अ ग्लोब. They are called grid. And what does the grid do? Grid help us to find a location on the map. हमें कोई भी मैप पे find location किसी भी जगह की find करनी है तो we can do with the help of grid reference. These are the lines. Look at this. This is horizontal and this is vertical line. These are grid reference. Now come on page number 16. Lines of latitude. The horizontal line on a globe draw from east to west parallel to equator are called lines of latitude. These are the lines. This is equator. Equator actually this imaginary line drawn on the center of the earth. जो अर्थ के सेंटर में एक इमेजिनरी लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर. जो इक्वेटर के पैरेलल पे देखें ये वाली लाइंस को नज़र आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड. The parallel line, the line, horizontal line parallel to equator. Look at these are the parallel to equator. Parallel mean this is. ये देखिए ये parallel है इसके. These are called latitude. And there are 180 total latitude. 90 on northern hemisphere, 90 on southern hemisphere. And the longitude,
This is longitude. These are vertical lines. These lines. These are longitude. They are drawn from north to south. Latitude from drawn from east to west. And longitude drawn from south to north to south. The vertical lines. And there are 360 longitude in all over the earth. 180 on the this side. 180 on this side. Equator, I have told you, equator is the imaginary horizontal line that divides the earth. Like you can say the center of the earth. It divides the earth into two parts. This is northern hemisphere. This is southern hemisphere. Prime meridian, this is prime meridian. Look at this line. Prime meridian is a vertical line that divides the earth into eastern and western. Equator क्या कर रही है वो southern और north में divide कर रही है and prime meridian actually divides the earth into eastern and western hemisphere. Now come to the locating places. How we can locate the places on the maps. Page number 17. Lines of latitude and longitude help us to find locate places on the earth. These lines are given number of unit of degrees where lines of latitude and longitude intersect each other. We have two numbers, a latitude number and longitude number. Actually, these longitude and latitude help us to find the location of the place. For example, the location of Pakistan on the globe, if we want to see the location of Pakistan on the globe, is 61 degree east to 77 degree east longitude and 24 degree north to 37 degree north latitude. Time difference. As you know, there are 360 of longitude on the earth. मैंने अभी आपको बताया कि पूरी अर्थ पे 360 डिग्री longitude है और अर्थ जो है वो अपनी एक रोटेशन जो मूव कर रही है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है. इट्स मीन द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24. इसका ये मतलब हुआ कि अर्थ जो 24 आवर्स में पूरा 360 डिग्री पे घूमती है. आवर वर्ल्ड, अब इस तरह हमारी जो वर्ल्ड है वो डिफरेंट टाइम जोन्स में डिवाइडेड है. टाइम जोन्स क्या हैं? डिफरेंट जो कंट्रीज के टाइम्स हैं. ईच जोन एक्सटेंड 15 डिग्री एंड हैज़ अ डिफरेंस ऑफ 1 आवर. अब ये जो मैंने आपको लॉन्गिट्यूड बताए थे, अब हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे एक घंटे का डिफरेंस आता है. एवरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 1 आवर. अब अगर हम लोग इस प्राइम मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन है ना, अब अगर हम इससे वेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो एक घंटा हम लोग पीछे, मतलब एक घंटा हम लोग माइनस करेंगे, और अगर हम लोग ईस्ट की तरफ मूव करेंगे तो हम लोग एक घंटा ऐड करेंगे. इस तरह से टाइम डिफरेंस डिफरेंट कंट्रीज़ में आ रहा होता है. हम देखते हैं ना, जैसे अगर हम लोग पाकिस्तान में हैं तो डिफरेंट कंट्रीज़, कहीं पे 4 आवर्स का डिफरेंस है, कहीं पे 5 आवर्स का है, कहीं पे 1 आवर्स का है. तो ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस. जो इस तरफ मूव कर रहे हैं वहाँ 1 आवर सब्ट्रैक्शन में जाएगा, मतलब एक घंटा कम होता जाएगा, और जो इस तरफ ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं वहाँ 1 आवर ऐड होता जाएगा. इस तरह हम लोग डिफरेंट टाइम जोन्स पता लगाते हैं. टाइम जोन्स टू द ईस्ट आर डोनेटेड बाय पॉजिटिव नंबर, डेट इज़ +1 to +12. टाइम जोन्स टू द वेस्ट आर डोनेटेड बाय नेगेटिव, सो -1 to -12. क्योंकि दोनों 24 टाइम जोन्स हैं ना, 12 इस साइड पे, 12 इस साइड पे. पेज 18. यू कैन फाइंड द टाइम जोन इजीली. इफ देयर इज अ 12 PM इन लंदन, अगर लंदन में 12 बजे हैं, व्हाट वुड बी द टाइम इन कराची पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में कराची में क्या टाइम होगा. लॉन्गिट्यूड ऑफ पाकिस्तान 67 डिग्री ईस्ट, लॉन्गिट्यूड ऑफ लंदन 0 डिग्री ईस्ट. डिफरेंस, अब हम डिफरेंस निकालेंगे. 67 माइनस 0 67, तो कराची में जो टाइम है, अब 67 को हमने 15 से डिवाइड करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हर 15 डिग्री पे एक आवर का डिफरेंस है. तो जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4. मीन्स कराची इज़ 4 आवर अहेड ऑफ लंदन. तो कराची जो है लंदन से 4 घंटे आगे है. तो कराची इज़ ईस्ट ऑफ लंदन, 1 आवर इज़ एडेड. तो एक एक घंटा ऐड हुआ एवरी 15 डिग्री. तो टाइम इन कराची इज़ 4 PM. अब यहाँ पे भी ऐसे ही है. इफ देयर इज़ 7 PM इन लाहौर पाकिस्तान, व्हाट वुड बी टाइम इन ब्रसीलिया ब्रसीलिया ब्राज़ील. अगर लाहौर में 7 बज रहे हैं रात के,
ब्राज़ील में क्या टाइम होगा? लॉन्गिट्यूड ऑफ, वी विल सी द लॉन्गिट्यूड ऑफ लाहौर, लॉन्गिट्यूड ऑफ ब्राज़ीलिया, वी विल फाइंड द डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस लेंगे हम लोग। फिर हम लोग जो टाइम है, ये हमारे पास टाइम आ गया ब्राज़ीलिया का, ठीक है, इसको हम लोग, ये हमारे पास का लॉन्गिट्यूड आ गया, डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, इसको हम 15 से डिवाइड करेंगे तो इट्स 8.1। तो इस मीन के ब्राज़ीलिया इज 8 आवर बिहाइंड लाहौर के, जो ब्राज़ीलिया है वो लाहौर से 8 घंटे पीछे है, ठीक है, क्योंकि वो लाहौर के वेस्ट में है, तो 1-1 घंटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मैंने अभी आपको बताया था जब आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो 1 आवर सब्ट्रैक्ट होगा और ईस्ट की तरफ 1 आवर ऐड होता है। सो टाइम इन ब्रसीलिया इज 11 AM। नाउ कम टू पेज 19, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैप्स इन एवरी डे लाइफ। आई एम रिपीटिंग अगेन, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैप्स इन एवरी डे लाइफ, पेज 11। कम ऑन पेज 11। द आंसर इज फ्रॉम फिफ्थ लाइन, 1, 2, 3, 4, फिफ्थ फ्रॉम देयर। मैप टेल्स अस अबाउट आवर लोकेशन ऑन अर्थ, प्लेसेस अराउंड अस, लैंड फीचर्स, एलिवेशन, बाउंड्रीज, एटमोसफेरिक चेंज और इवन हिस्टोरिकल इवेंट्स फ्रॉम देयर। अब इसके बाद यू विल लीव दीज 3 लाइन्स एंड देन यू विल स्टार्ट फ्रॉम नाउ। नाउ मैप्स आर वाइडली यूज फॉर दीज पर्पजेज एज वेल एज फॉर नेविगेशन, टाउन प्लानिंग, टूरिज्म, एटमोसफेयरिक स्टडी। मैप्स आर ऑफ वेरियस टाइप इंक्लूडिंग रोड मैप, पोलिटिकल मैप, वेदर मैप। इन आवर डेली लाइफ रोड मैप्स हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस, एस्टिमेट डिस्टेंस एंड टेल्स अस डायरेक्शन। पोलिटिकल मैप शो बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज और सिटीज। विद द हेल्प ऑफ वेदर मैप वी कैन प्लान आवर ट्रिप टू अ पर्टिकुलर प्लेस बाय प्रिडिक्टिंग वेदर कंडीशन। यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, लॉन्ग।